अपनी अदाकारी से सबको गुदगुदाने वाले अभिनेता कादर खान को भले ही हमने खो दिया हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे बीच रहेंगी। एक समय वो भी था जब बाबा रामदेव ने उनके चेहरे पर हंसी देखने के लिए मैगी खाई थी। बात साल 2015 की है, जब कादर खान अपना इलाज कराने के लिए पतंजलि योगपीठ आए थे। बाबा रामदेव ने पतंजलि नूडल्स लॉन्च किया था। उस दिन अभिनेता कादर खान ने अपना 78वां जन्मदिन पतंजलि योगपीठ में मनाया था। बाबा रामदेव ने उनके लिए यज्ञ और एक संक्षिप्त समारोह आयोजित किया था। इस दौरान उनका जन्मदिन मनाते हुए बाबा रामदेव ने भी मैगी का स्वाद चखा था। बाबा रामदेव सात्विक भोजन करते हैं, इसलिए उन्हें मैगी खाता देख हर कोई हैरान रह गया था। कादर खान भी ये देखकर भावुक हो गए थे। उन्हें देखकर कादर खान ने कहा था कि उन्हें पतंजलि आकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका जन्मदिन यज्ञ के साथ मनाया जाएगा। उन्हें यज्ञ में बैठकर बहुत अच्छा लगा। कादर खान के बेटे शहनवाज खान का कहना था कि उनके पिता पतंजलि आकर काफी अच्छा फील कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो अपने पैरों पर थोड़ा चलने भी लगे थे। पंचकर्म आदि के माध्यम से दिनों दिन लाभ हो रहा था। आचार्य बालकृष्ण ने कहा था कि कादर खान पतंजलि से पूर्ण स्वस्थ होकर जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। वो ठीक होने लगे थे, लेकिन आखिरकार वो आज हमारे बीच से दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए। फिर मिलूंगी बॉलीवुड की ऐसी ही खबरों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।